हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेसिक आइडियाज बाय ज्योति में। आज हम बनाएंगे व्रत का बनने वाला झटपट दही बड़ा। उसके साथ हम बनाएंगे अमचूर से सौंठ। ये है हमारा तिल, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और ये है अदरक जो सूखा हुआ है, जिसे सौंठ भी कहते हैं। ये है खजूर, ये है गोला, ये है बादाम, ये है किशमिश, ये है दो हरी इलायची और ये है दो लौंग। इनको ये दो चम्मच अमचूर है जिसे मैंने पानी में भिगो लिया है। चलिए, अब एक कटोरी चीनी है। अब हम बनाएंगे इसको, एक चम्मच घी डाला है मैंने, ये क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम घी से बनाएंगे। ये इलायची और लौंग को मैंने कूट लिया है और उसी में जीरे के साथ हम इसको भून रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और ये सौंठ, जो अगर आपके पास सौंठ नहीं है तो आप अदरक को कस के भी डाल सकते हैं। ये खजूर है, खजूर नहीं है तो छुआरा डाल सकते हैं। ये किशमिश, खरबूजे की मींग, तिल, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो आप उसको डालें, अगर नहीं है तो उसे स्किप कर दें। खाली किशमिश और तिल भी डाल सकते हैं आप, अगर आपके पास कोई और ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है, सौंठ ऐसे भी बहुत अच्छी बनेगी। ये हम डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक, व्रत वाला नमक डाला है ये मैंने। अब ये है लगभग एक कटोरी चीनी, थोड़ी सी कम है एक कटोरी से। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे और इसमें जितनी चीनी है उतना ही हम पानी डाल देंगे और इसको पकाएंगे। जब तक दाना नहीं गलेगा तब तक हम इसे तेज फ्लेम पे पका रहे हैं ताकि जल्दी से दाना गल जाए और चाशनी गाढ़ी हो जाए, क्योंकि हमें ये सौंठ को जल्दी बनाना है। घर में ही होते हैं ये जितनी भी चीज हमने डाली है, ये सारी चीज घर में होती है। अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है डालने की, जो है उसी से बना लीजिए। और ये सौंठ ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। जब तक ये ठंडी होगी तब तक आपके दही बड़े तैयार हो जाएंगे। देखिए, अब हमारा चीनी का दाना गलने लगा है। इस टाइम हम फ्लेम को कम करके उसमें ये सौंठ, ये जो हमने खटाई भिगो के रखी थी ना, दो चम्मच अमचूर पाउडर, उसको हम डाल रहे हैं। आप ऐसे इमली से भी बना सकते हैं, लेकिन आप ये वाली सौंठ बनाएंगे तो झटपट बन जाएगी और ये लगभग 15 दिन तक आप आराम से रख के खा सकते हैं। ये खराब नहीं होती है इतनी जल्दी, और अगर फ्रिज में रखेंगे तो एक महीने भी खराब नहीं होगी। अब हम इसको ज्यादा नहीं पकाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है। देखिए, हमारी सौंठ अच्छी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ठंडा होने के बाद हमारी सौंठ कितनी गाढ़ी हो गई है, अच्छी खासी हो गई है और बहुत ही अच्छी बनती है ये। अब हम बनाएंगे दही बड़े। ये मैं एक कढ़ाई में घी गरम करने रख दे रही हूँ, तब तक हम दही बड़े की तैयारी कर लेते हैं। ये है कूटू का आटा। ये जितना आपको बनाना है आप अपने हिसाब से बनाएं। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पिसी हुई, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। ये नमक डाल लिया है हमने, व्रत वाला लाहौरी नमक। अब हम इसे पानी से घोल लेंगे और इसको अच्छे से लगातार 2-3 मिनट के लिए फेटेंगे, क्योंकि जितना अच्छा ये फिटेगा उतनी अच्छी पकौड़ियाँ फूल के बनेंगी, और अगर ये फिटेगा नहीं तो पकौड़ियाँ ठोस हो जाएंगी उसकी। ये देखिए, मैंने उसको थोड़ा सा, देखिए फ्लफी हो गया ये, और इतना गाढ़ा होना चाहिए हमारे दही बड़े बनने के लिए। ये देखिए, मैं कितनी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना रही हूँ और आप बाद में देखिएगा ये कितनी फूल जाएंगी, क्योंकि हमने इसको अच्छे से फेंटा है। ऐसे ही हम धीरे धीरे डालते चले जाएंगे इसमें। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम है। ये देखिए, और इन्हें ज्यादा करारा तो सेकना नहीं है हमें, क्योंकि हमें इन्हें वैसे भी दही में डालना है, तो इसके लिए हमें इनको हल्का हल्का सेकना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो ये अंदर तक पकेंगे, और अगर आप तेज गैस पे बनाएंगे तो ये ठोस हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा।
इन पकौड़ियों को तेज गैस पे बिल्कुल नहीं बनाना है। ये देखिए हमारी हल्की हल्की सी सीख गई हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब मैं ये दूसरा बैच आपको डाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने दूसरा डाल लिया, अब दूसरा भी सीख लिया। ये भी हमारा सीख के तैयार हो गया। अब मैंने ना एक तरफ गैस पे पानी गर्म होने रख दिया था। ये देखिए अब इस गर्म पानी में मैं इन पकौड़ियों को लगभग 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इन्हें डुबो दिया है मैंने और इसको मैं ढक के 15-20 मिनट के लिए भिगो दूंगी। 15 मिनट बाद ये सारा पानी मैंने फेंक दिया है निकाल के, और अब इन पकौड़ियों को मैं ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। और ये अब हमने उसको ट्रे में डाल लिया है। और ये है दही जिसमें मैंने नमक डाल लिया है ताकि बार बार अलग अलग नमक ना डालना पड़े इस वजह से। और ये हमारी हरी चटनी रखी है। हरी चटनी मैंने पहले भी व्रत में रेसिपी बनाई है उसमें डाली है। अगर आपको चाहिए तो मैं अपना लिंक उसमें डाल दूंगी, आप उसमें से देख सकते हैं व्रत की हरी चटनी बनाना। ये मैंने दही सारा इसके ऊपर डाल दिया है ताकि ये दही बढ़े, दही को सोख लें और अच्छे से आप इनको बना के दोपहर में फ्रिज में रख दीजिए, शाम को बड़े मजे से खाइए। ये हम थोड़ा सा दही और फेंट रहे हैं क्योंकि हमें ऊपर से डालने के लिए भी चाहिएगा ना थोड़ा सा दही, इसलिए जरूरत होगी उतना हम यूज करेंगे इसको। ये देखिए हमारे दही बड़े लगभग मैंने आधा घंटा इन्हें रख दिया था और ये सारे दही बड़ों ने दही को सूख लिया है। और देखिए वो पकौड़ियाँ हमने बनाई कितनी छोटी छोटी थी और ये कितनी बड़ी बड़ी फूल गई हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा और दही डालेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना दही खाना है या कितना डालना है या नहीं डालना है। कम से कम एक बार तो इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा क्योंकि ये रेसिपी बहुत अच्छी है और जिन लोगों को खाने का शौक है व्रत में उनको तो ये बहुत ही पसंद आने वाली है और ख़ास तौर से बुजुर्गों के लिए ये बहुत अच्छी है। ये देखिए हमने सौंठ डाल दी इसमें। अब हम इसमें हरी चटनी डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया व्रत में खाने वाला चटपटा देशी नाश्ता जिसको कहेंगे, आप एक बार बना के ज़रूर देखें ताकि आपको ये लगे कि हाँ मैंने भी सही कहा है। देखिएगा और बहुत अच्छा है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए ताकि मेरी नई रेसिपी आए और आप लोग उनको जल्द से जल्द देख सकें। बस इस पे हमने डाल दिया भुना हुआ जीरा और बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉफ्ट दही बड़ा खाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।